इंग्लिश बोलना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. जब आप इंग्लिश बोलते हैं तब आपकी पर्सनालिटी दिखती है. अगर कोई इंसान आपके कम टैलेंटेड है फिर भी उसे ज़्यादा इंग्लिश आती है तो वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लगता है. एंड यू लैक कॉन्फिडेंस एट दैट लेवल. आपका कॉन्फिडेंस कम होता है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. आप अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते. इसमें आपकी मदद मैं करूँगी. आई विल टेल यू सम फ्रेजेस, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे और आपकी जो इमेज है वो बढ़ जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑफकोर्स बढ़ेगा. इंग्लिश बोलना आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आता है कम वॉट मे. इसका क्या मतलब होता है? कम वॉट मे का मतलब कुछ ठान लेना. मतलब कभी भी हमें कोई ऐसा सेंटेंस बोलना है जिसमें हमारा कुछ मतलब बड़ा एम या बड़ी स्पिरिट से दिखाई देती है तो उसमें हम ये कम वॉट मे यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, जैसे अगर हमें मुझे बोलना है कि मुझे एग्जाम्स में पास होना ही है चाहे कुछ भी हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल हैव टू पास द एग्जाम कम वॉट मे. आई विल हैव टू पास द एग्जाम कम वॉट मे. और देखिए, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो. आई विल नेवर एवर लीव योर साइड कम वॉट मे. आई विल नेवर एवर लीव योर साइड कम वॉट मे. यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की ये है कि व्हेन वी आर राइटिंग द सेंटेंस, जब हम इसे लिखेंगे तब हम कम वॉट मे के पहले एक कॉमा लगाएंगे. नोटिस, जब मैं बोल रही हूँ तब कम वॉट मे के पहले हल्का सा पॉज है. लाइक आई विल नेवर एवर लीव योर साइड कम वॉट मे. साइड के बाद और कम वॉट मे के पहले हल्का सा पॉज आता है जो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर एक कॉमा है. ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा. कम्स आई हैव टू से. इसका क्या मतलब होता है? आई हैव टू से का मतलब होता है कहना पड़ेगा. ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी की कोई बात को लेकर इम्प्रेस हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कहना पड़ेगा तुम तो बहुत अच्छे सिंगर हो. इसे हम कैसे कहेंगे? आई हैव टू से यू आर अ गुड सिंगर. आई हैव टू से यू आर अ गुड सिंगर. ठीक है, यहाँ पर भी आई हैव टू से के बाद कॉमा लगेगा क्योंकि हम पॉज देते हैं जब बोलते हैं. तब आई हैव टू से यू आर अ गुड सिंगर. आई हैव टू से के जस्ट बाद में हल्का सा पॉज है तो यहाँ पर भी कॉमा होगा. मतलब आपको बोलते समय ये ध्यान रखना है. ठीक है, अब आपको मैं एक ऐसा वर्ड बताती हूँ जिससे अगर आप अपने सेंटेंस में यूज करेंगे देन इट विल लुक गुड, मोर गुड. सगेशियस. फिर से सुनिए, सगेशियस. इस वर्ड का क्या मतलब होता है? बेसिकली ये वर्ड हम वाइस के लिए यूज़ करते हैं. मतलब अगर हमें किसी को समझदार या इंटेलिजेंट कहना हो तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने तुम्हारे जितना समझदार इंसान आज तक नहीं देखा. आई हैव नेवर एवर सीन सगेशियस पर्सन लाइक यू. आई रिपीट इट, आई हैव नेवर एवर सीन सगेशियस पर्सन लाइक यू. इसे आप एकदम नॉर्मली बोल सकते हैं, आई हैव नेवर एवर सीन अ सगेशियस पर्सन लाइक यू. ठीक है, ऐसे बोलना, आई हैव नेवर एवर सीन अ सगेशियस पर्सन लाइक यू. तो सगेशियस के हम यहाँ पर वेरी वाइज या नॉर्मली अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो इसमें इंटेलिजेंट या वेरी वाइज जैसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं. उनकी जगह आप सगेशियस यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश और ज़्यादा अच्छी लगेगी. नेक्स्ट आई विल सजेस्ट एग्जॉस्टेड. मतलब जब भी आपको वेरी टायर्ड या फिर मैं बहुत थकी हुई हूँ उसके लिए अगर कोई वर्ड यूज़ करना है तो एग्जॉस्टेड इज़ द बेस्ट वर्ड. मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरी टायर्ड इन योर सेंटेंसेस यू कैन यूज़ एग्जॉस्टेड. फॉर एग्जांपल, मैं बहुत थकी हुई हूँ. नॉर्मली अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें हम वेरी टायर्ड वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे आई एम वेरी टायर्ड. बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड की जगह आप एग्जॉस्टेड यूज़ कर सकते हैं. लाइक आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थकी हुई हूँ. आई एम एग्जॉस्टेड. ठीक है, आई एम एग्जॉस्टेड. ओके, अब एक आखिरी फेज देखिए, सूनर और लेटर. इसका मतलब होता है कभी ना कभी या फिर एक ना एक दिन. फॉर एग्जाम्पल, कभी ना कभी तुम मेरी अहमियत ज़रूर समझोगे.
इसको आप कैसे बोलेंगे? Sooner or later, you will surely realize my importance. Sooner or later, you will surely realize my importance. ये एक एग्जांपल था. अब एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ जो कि हर लड़की के लिए कॉमन सेंटेंस है. गर्ल्स, ये तुम्हारे लिए पक्का कॉमन सेंटेंस होगा, कभी ना कभी तुम्हें शादी करनी पड़ेगी. ऑफ कोर्स है ना गर्ल्स, तुम्हारे लिए पक्का कॉमन सेंटेंस होगा, कभी ना कभी तुम्हें शादी करनी पड़ेगी. इसे कैसे बोलेंगे? सूनर और लेटर यू विल हैव टू मैरी. सूनर और लेटर यू विल हैव टू मैरी. ठीक है. सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. अगली बार मिलते हैं, और कहाँ, बस यहाँ देखते रहिए मेरा चैनल सेज लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड.